हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 65th BPSC एंड 66th BPSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट से है। आज हम दोस्तों 7 निश्चय के बारे में बात करेंगे जो आपके मेंस में लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप मेंस लिख रहे हैं या PT की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो 7 निश्चय है जो 65th BPSC में आपको हर एक समय जहाँ आपको ज़रूरत होगी उस डेटा को प्रयोग कर सकते हैं, और 66 में भी आपको कहीं ना कहीं है जो ये आपको मदद करेगी। तो दोस्तों हम 7 निश्चय के बारे में बात करेंगे। ये 7 निश्चय 2015 विधानसभा चुनाव के बाद यह जो 7 निश्चय की घोषणा की गई थी दोस्तों 2015 से 20 जो 7 निश्चय 1.0 जिसकी बात करते हैं, और अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले 7 निश्चय 2.0 को भी है जो बताया गया है कि हम आने वाला समय में अपना विजन बताया कि 2.0 में क्या है, सक्षम बिहार और स्वावलंबी बिहार, इसकी है जो 2.0 का टैगलाइन है, सक्षम बिहार और स्वावलंबी बिहार। तो जो बिहार में जो विकास की जो टैगलाइन है, जो न्याय के साथ विकास जो है, न्याय के साथ विकास जो है बिहार में टैगलाइन के साथ है, इसमें आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा, फिर MSME सेक्टर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा आपका जो सर्विस सेक्टर की जो बात करते हैं जिसमें है जो पर्यटन है वो सब है, जो आपका न्याय के साथ विकास में भी तीन प्रकार की है जो एग्रीकल्चर, MSME एंड सर्विस सेक्टर। तो उन न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और जिसके चलते हैं जो बिहार को एक नया मॉडल के रूप में है देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों 7 निश्चय है जो एक बिहार के प्रस्तावना की जैसी बात है, जैसे है जो उसी के ऊपर है जो उसका पूरा आधार बनाया गया था, जिसके कारण है जो 7 निश्चय का 2-3 पॉइंट्स जो है उसको है जो सफल कर लिया गया है, और उसका जो बचे हुए भाग है उसका भी 70-80% तक अचीवमेंट को प्राप्त किया जा चुका है। तो बिहार विकास मिशन ये है जो दोस्तों एक्ट 1860 के अंतर्गत जो बिहार में विकास के लिए जो सभी क्षेत्रों में जो बनाया गया था उसके लिए है जो बिहार विकास मिशन जो एक्ट 1860 से है जो लिया गया है कि उसके डेवलपमेंट के लिए जो विकास किया गया है उस एक्ट के माध्यम से है जो इस पूरे जो 7 निश्चय योजना है उसको है जो बनाया गया था, जिसमें गुड गवर्नेंस भी है जो सब चीज सब तरह का शामिल है। आप गुड गवर्नेंस की बात जानते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, और गवर्नमेंट टू पीपल है जो कैसे है जो काम करता है, और इसके लिए जो SDG इंडेक्स जो आप कहते हैं नीति आयोग के द्वारा भी है जो जारी किया जाता है कि गुड गवर्नेंस में है जो टोटल है जो 41 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसपे है जो काम करता है। मेनली जो होता है आपका वो है जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी, और है जो सामाजिक जो योजनाएं होती है उस पर है जो विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे है जो 41 ऐसे पॉइंट्स है जो नीति आयोग में है जो दिया गया। इस पर बिहार को 4.4 पॉइंट है जो परसेंट है जो उसमें है जो मिला था जो गुड गवर्नेंस के जो विभिन्न है जो मानक होते हैं उसमें है जो पूरा काउंट करके 4.4 पॉइंट उनको मिला था बिहार को। तो हम है जो दोस्तों आज बात करेंगे आर्थिक हल युवाओं का बल, जिसपे है जो फर्स्ट है जो नीति आय जो 7 निश्चय का जो पहला है जो आर्थिक हल 1.0 का जो पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल, इसमें है जो क्या करना है दोस्तों, इसमें क्या है जो कौन कौन सी योजना है जो लाई गई है उस पर है जो हम है जो चर्चा करेंगे। तो इसमें है जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जिसमें जो 4 लाख रुपए तक है जो बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए है जो ऋण दिया जाता है, जिसमें ब्याज दर है जो वर्तमान में अभी 0% कर दिया, पहले 4% था। तो जो योजनाएं हैं उस योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करते जाएंगे, और इससे करीब 12 लाख छात्र छात्राएं हैं जो इससे लाभान्वित हुए हैं जो डेटा है जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। दूसरा है दोस्तों मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना या स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसको टोटल नाम है, यह है जो 20 से 25 साल के छात्र छात्राओं को दिया जाता है, जिसमें 1000 रुपये की राशि दी जाती है, और ये है जो उनको रोजगार प्राप्त करने में है जो मदद करता है, या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको 1000 जो भत्ता मिलता है उस भत्ता से है जो अपना विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को है जो निराकरण कर सके, ताकि जो उनकी बोझ है जो माता पिता के ऊपर ना आए। बहुत ही अच्छी सोच है बिहार सरकार की दोस्तों।
तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम में जो आपकी बात किया जा सकता है, जिसमें भाषा एवं संवाद कौशल की विशेष स्किल्स की बात की गई है। दूसरा है कंप्यूटर नॉलेज की बात की गई है। इसमें 240 कोर्स है जो 3 महीने तक है, जो इसमें प्रदान किया गया है। और रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम को है जो बिहार सरकार के द्वारा है जो लाया गया। एक बिहार कौशल मिशन, प्रधानमंत्री कौशल मिशन योजना है, वो अलग है दोस्तों। आप है जो उसको एक अलग देखिएगा, ये बिहार का कुशल युवा कार्यक्रम है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार स्टार्टअप नीति। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप है जो उस डेटा को प्रयोग है जो मेंस को लिखने समय में आप कर सकते हैं, इसीलिए है जो हम इस तरह से है जो बना दिए हैं कि आपको आसानी से है जो इस चीज़ को प्राप्त किया जा सके। और एक है इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि 65th के लिए है जो टेस्ट चल रहा है, तो आप है जिस नंबर पर है जो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये है जो मेरा टोटल 40 क्वेश्चंस है जो दिया जाएगा दोस्तों, और 40 क्वेश्चंस है जो GS1 और GS2 का रहेगा। आप है जिसके बाद है जो देख सकते हैं आकर इस। तो फिर स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप का मतलब ही होता है कि नई उद्यमिता के बारे में है जो बात करना, उद्यमिता से नए रोजगार प्राप्त करना। इसके लिए जो युवाओं को उद्यमिता में बढ़ावा है तो है जो इसको किया गया है, 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल है जो इसके लिए बिहार सरकार है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसका है जो 10,000 करोड़ है। वो जो स्टार्टअप योजना है सिंपल सा, उसमें 10,000 करोड़ रुपया का है जो उसका वेंचर कैपिटल है। बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में इसको खोला गया है। और इसमें क्या होता है कि इक्वेशन सेंटर बनाया गया है, जैसे नए उद्यमिता के क्षेत्र में वहाँ पर है जो बनाया गया है, उनको जो विशेष क्षेत्र में जो प्रभावित करते हैं उनको वहाँ पर है जो हेड बनाया गया, और वह अपने माध्यम से बच्चों से है जो स्टार्टअप की बात करते हैं, उनको है जो कहते हैं इस क्षेत्र में है जो आपकी रुचि है तो जाइए। तो इससे रिलेटेड है दोस्तों कि आपका 12 विश्वविद्यालय में खोला गया, करीब करीब 240 सेंटर ऐसे खोले गए हैं। इसमें बिहार औद्योगिक निवेश नीति को भी जोड़ा गया है इसमें दोस्तों, और 4411 नए स्टार्टअप है जो 2020 के अगस्त तक के डेटा है, जो 4411 नए स्टार्टअप है जो इसमें है जो खोले गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार्टअप नीति है, आप इसकी बात कर सकते हैं। चौथा है जो सबसे लास्ट है, फ्री वाईफाई इंटरनेट की सभी विश्वविद्यालय में सरकारी कॉलेजों में जो फ्री वाईफाई की जो व्यवस्था है आप है जो बिहार के विभिन्न है जो जितने भी है जो 326 इंस्टीट्यूशंस में है जो उसको फ्री किया गया है। तो ये आर्थिक हल युवाओं का बल में जो इम्पोर्टेंस था, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति और फ्री वाईफाई इंटरनेट सभी विश्वविद्यालय एवं सरकारी कॉलेजों में। तो आप है जो दोस्तों इसको है जो आप लिख सकते हैं। अब 2.0 की हम बात करेंगे कि 2.0 में है जो क्या किया गया, तो 2.0 में है जो युवा शक्ति और बिहार की प्रगति, ये है जो 2.0 जो निश्चय योजना है उसके अंतर्गत में कौशल उद्यमिता विभाग की स्थापना करना, एक नया स्किल के लिए है जो डिपार्टमेंट ही बनाना, उसमें ITI के लिए अलग होगा, पॉलिटेक्निक के लिए अलग होगा, और मेगा स्किल सेंटर है जो खोला जाएगा, और उद्यमिता है तो अनुदान भी है जो उसमें दिया जाएगा। तो यह जो युवा शक्ति और बिहार की प्रगति जिसमें है जो 2.0 में है जो इसकी बात की गई है, तो आप है जो अगर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से फर्स्ट 1.0 से और 2.0 में क्या अंतर है, आप है जो इसमें है जो आप देख सकते हैं, जो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की बात की गई है, ITI की बात की गई है, पॉलिटेक्निक की बात की गई है, मेगा स्किल सेंटर की बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो दूसरा है 1.0 का, सात निश्चय का 1.0 का है जो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यह है जो आपका 1.0 है जो सात निश्चय का उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है महिलाओं को हर एक सेक्टर में, जिसमें आप जानते हैं कि अब जितने भी एग्जाम्स होते हैं बिहार में तो उसमें है जो महिलाओं के लिए जो 35% है जो अलग रिजर्व कर क्षैतिज आरक्षण है जो दिया जाता है, हर एक कैटेगरी में उनको है जो 35% दिया जाता है, 50% पंचायती राज विभाग में है जो उनको है जो आरक्षण दिया जाता है, महिला पुलिस बटालियन की है जो मैंने इसमें है जो सशक्त करने के लिए है जो बनाया गया है, महिला थाना का गठन किया गया है, जीविका में सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि जीविका की है जो आपकी चर्चा है, जानते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर है जो जीविका की करीब 1.5 करोड़
लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों बिहार में रोजगार के मामले में महिलाओं को 25% की वृद्धि एनएसओ का डेटा है माध्यम से है जो बताया गया है कि इसके माध्यम से जो महिला सशक्त हुई है। और एक बुक का नाम है दोस्तों सोशल एक्टिविस्ट एंड बिहेवियर का एक बुक है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं की अगर बराबर की भागीदारी जहाँ दी जाती है वहाँ पर है जो भ्रष्टाचार कम होता है। तो है जो आप इस तरह की है जो आप स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मीन्स में 15 फरवरी 2016 को है जो गजट में प्रकाशित किया गया था। बिहार एक पहला राज्य है दोस्तों जहाँ आदिवासी के लिए एक नया बिहार का बटालियन का है जो BMP-5 में है जो उसको जोड़ा गया है आदिवासी बटालियन जिसमें थारू जनजाति के लोग है जो उसमें है जो ज्यादातर हैं थारू जनजाति के लोग। थारू जनजाति के बारे में देते हैं कि 60 दिन का लॉकडाउन है जो दोस्तों हमेशा ही लोग रखता है साल भर में 60 दिन का। तो ये कुछ अलग तरह की है जो ये जनजाति के बारे में है। तो बिहार प्रथम राज्य है जो आदिवासी स्वावलंबी बटालियन के अंतर्गत के साथ है जो उसको भी है जो उसमें जोड़ा गया था। तो है जो दोस्तों इसका दूसरा है कि इसके जो 2.0 में है सशक्त महिला और सक्षम महिला 2.0 में जो नया जो 7 निश्चय उसमें महिलाओं को 5 लाख लोन और 5 लाख का अनुदान है जो उनको मिलेगा। उच्चतर शिक्षा के लिए 25,000 और स्नातक पास होने पर 50,000। पहले ही 25,000 था जो आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 54,100 रुपया मिलता था जन्म से लेकर स्नातक तक का उसमें पहले 25,000 रुपया मिलता था अब है जो उसको 50,000 रुपया करने का प्रावधान है जो किया गया है। तो आप है जो इसमें है जो देख सकते हैं। तो डेटा आपके पास रहेगा तो आप बढ़िया से लिख सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 निश्चय योजना कि आपको याद होना चाहिए आप इसके बारे में क्या क्या है। और ये है जो 100% है जो अचीव कर लिया गया है दोस्तों। फर्स्ट है जिसको 100% अचीव किया गया है उसके बाद आगे भी है उसको बताएंगे। तीसरा है दोस्तों कि हर घर बिजली लगातार 7 निश्चय 1.0 का तीसरा पॉइंट है कि हर घर बिजली लगातार जिसमें मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना 15 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2019 को पूरा कर गया। ये भी 100% एक्शन कर लिया गया है दोस्तों जिसमें जनरेशन ट्रांसमिशन और सबमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये 4 पिलर पे है जो काम किया गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो आपके गांव तक पहुंचाने के लिए जो योजनाएं हैं भारत सरकार की गांव से है जो आपके ग्रिड तक वहां पहुंचाया गया ग्रिड से है जो आपके घर तक आया था। LED योजना जो उजाला योजना के नाम से जानते हैं जो आपके घर में काम करता है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो आपका है जो यहां पर है जो पहुंचा दिया गया है। और है जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के माध्यम से है जो आपके गांव तक है जो यहां तक है जो पहुंचा दिया गया है। तो ये तीनों योजना के माध्यम से है जो हर घर बिजली लगातार में भी प्रोत्साहन मिला और बिहार सरकार की है जो ये उपलब्धियां रही कि यह है जो 31 दिसंबर 2019 को पूरा करना था जो 25 सितंबर 2019 को है जो पूरा कर लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप है जो इसको दे। तो दो है जिसको 100% पूरा कर लिया गया है। 2.0 में बात करेंगे हर खेत में सिंचाई के लिए पानी। हर खेत में सिंचाई के लिए पानी है जो 2.0 में रखा गया। इसमें गंगा जल योजना के माध्यम से कुछ साउथ बिहार के जो जिले हैं उसमें जहां प्रॉब्लम होती थी उसमें जो गंगा जल योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि जो खेतों में पानी है जो पहुंचाया जा सके। जल जीवन हरियाली जो है उसके माध्यम से भी है जो जल जीवन हरियाली ये डुबरी मॉडल है मध्य प्रदेश का डुबरी मॉडल के आधार पर लाया गया था दोस्तों। आप है जो जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था जल जीवन हरियाली जब इसकी चर्चा करेंगे। जल जीवन और हरियाली आपके जल से आपकी भूमिगत संकट को भी दूर किया जा सकता है। जीवन अगर आपके पास भूमिगत संकट है तो आपकी सिंचाई के लिए दिक्कत नहीं होगा और हरियाली रहेगा तो आपको पर्यावरण को समस्या नहीं होगा। तो जल जीवन हरियाली बहुत ही बड़ा मिशन था दोस्तों जिसको है जो 9 अगस्त 2020 को है जो 2.51 करोड़ है जो पेड़ पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा गया था आप है जो उसको जानते हैं और उसको पृथ्वी दिवस बिहार ने मनाया था 9 अगस्त 2020। 8 अगस्त को आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 9 अगस्त को ही मनाया गया था। तो आप है जो इस तरह से डेटा को लिख सकते हैं ताकि जो आप है जो एक अच्छा आंसर को लिख सके। तो इसको भी 100% है जो पूरा कर लिया गया है दोस्तों। चलिए हर घर नल का जल आप जानते हैं दोस्तों कि अभी आने वाला समय में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारे जगह पे है जो आर्सेनिक फ्लोराइड की मात्रा है जो पाई जाती है और खासकर अभी हाल फिलहाल में है जो दोस्तों जो नॉर्थ के इलाके में है जिसकी
ज्यादा समस्या है, और 47% तक है जो इसकी है जो स्थिति है जो खराब हो गई है। आर्सेनिक की मात्रा अगर जल में 0.05% से ज्यादा है तो है जो दूषित हो जाता है। तो इसी के माध्यम से बिहार सरकार ने हर एक वार्ड तक है जो हर घर नल का जल है जो पहुंचाने का है जो जो संकल्प लिया, जो करीब करीब 75% है जो इसको पूरा कर लिया गया है, और अभी आगे आने वाला समय में इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसमें है जो ग्रामीण पेयजल, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, गुणवत्ता युज, गैर गुणवत्ता युज और प्रभावित क्षेत्र शहरी पेयजल योजना को है जो इसमें शामिल किया गया। आप है जो जरूर है जो ये सब चीज़ याद रखिएगा ताकि है जो आप एक अच्छा आंसर को लिख सकते। 27 दिसंबर 2016 को ये चालू किया गया था और ये बिहार के सभी वार्डों में, वार्ड में पंचायत ने 8614 जो पंचायत है उसमें नहीं, सभी वार्डों में है जो इसको है जो करीब करीब है जो लागू करने का प्रावधान है। आप अपने घर में ही देखते होंगे जब अपने गांव में जाते हैं वार्ड में तो हर घर नल का जल से है जो लाभान्वित लोग हैं। इसको अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बोला था कि पानी पीने के लिए जो है उससे आप भैंस गाय को मत धोइए, ये है जो रिक्वेस्ट किया गया था इनके माध्यम से, नीतीश कुमार जी के माध्यम से जो रिक्वेस्ट किया गया था कि पानी पीने के लिए आप उसको पानी युक्त बनाइए पीने में, इससे भैंस मत धोइए। तो यह जो एक अभी हाल फिलहाल में स्टेटमेंट आया था, तो इस सब स्टेटमेंट को भी है जो याद रखेगा ताकि जो लिखने में आसानी हो। यह पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा है जो इसका जो संचालित किया जाता है। तो यह दोस्तों हर घर नल का जल। चौथा है इसमें 2.0 में स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास। तो अभी तो इसका है जो दोस्तों एक रोड मैप अभी दिया गया, इसमें विस्तृत आएगा, लेकिन हम है जो दोनों को लेकर चल रहे हैं ताकि जो आपका आंसर है जो प्रभावित हो जब आप लिख रहे हो। इसी के माध्यम से दोस्तों है जो हम 7 निश्चय योजना के बारे में जो भी है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। घर, अब अगला है दोस्तों घर तक पक्की गली नालियां, यह जो 1.0 का है जो 7 निश्चय योजना का है, जिसमें ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय, जिसमें 200 से 500 जनसंख्या तक वहां तक भी इसको जोड़ना है। यह है जो 28 अक्टूबर 2016 को इसको लागू किया गया था, मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना, शहरी पक्कीकरण और ग्रामीण दोनों को है जो इसमें ऐड कर दिया गया है घर तक पक्की गली नालियां। तो है जो देखते हैं दोस्तों कि आप अपने गांव में जाते हैं तो खरेंजा की व्यवस्था किया गया है, फिर है जो सीमेंटेड रोड है जो बनाया गया है कनेक्टिविटी के लिए, तो बहुत ही अच्छा है जो कार्य है। और एक बोला जाता है कि बिहार सरकार इस मॉडल पर काम कर रही है ताकि जो उनको है जो एक सशक्त बिहार, एक सक्षम बिहार, जो नया जो 2.0 में जो बोल रहे हैं कि सशक्त बिहार और सक्षम बिहार बनाने की जो बात है उसका रोड मैप है जो इसका तैयार हो रहा है दोस्तों। तो आप है जो हर घर पक्की गली नलियां, ये भी है जो दोस्तों 80% तक है जो इसको पूरा कर लिया गया है। और इसमें है जो दोस्तों 2.0 में स्वच्छ शहर और विकसित शहर, इसमें क्या है कि वृद्धजन के लिहाज से आप जानते हैं दोस्तों NCERB रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धों को अगर सम्मान मिलता है तो बिहार में मिलता है। तो आप NCERB का रिकॉर्ड में है जो बिहार प्रथम स्थान है जो अपने वृद्धजनों को है जो सबसे अच्छा शहद से रखता है, अभी एक रिकॉर्ड है उसके अनुसार से बता रहे हैं। सबसे ज्यादा मौत है इस मामले में महाराष्ट्र में होता है, आप है जो ध्यान रखिएगा। शहरी गरीब के लिए आवास और स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, यह जो दोस्तों है जो स्वच्छ शहर और विकसित शहर में इस चीज है आप है जो याद रखिएगा, जिसके कारण है जो आपका आंसर बेहतरीन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, बहुत ही ODF फ्री बनाने वाला जो है, अभी प्रधानमंत्री ने 75वें जो UNO का सम्मेलन हुआ था उसमें है जो इसकी चर्चा किया था कि हमारा देश में इतने लोगों ने है जो ODF के माध्यम से है जो स्वच्छता को गति किया है, और बाकी है जो इसमें जो एक सामाजिक और एक सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की जो बात की है उसका है जो उन्होंने जिक्र है जो अभी 75वें UNO जो सम्मेलन था उसमें है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 23 मिनट के भाषण में है जो इसका है जो जिक्र किया था। 27 सितंबर 2016 को चालू हुआ था, ODF फ्री क्लीन इंडिया के इसमें में रखा गया था, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र। आप है जो अभी गरीब रोजगार कल्याण योजना के माध्यम से जो 32,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है दोस्तों उसमें है जो शौचालय निर्माण में भी है जो रोजगार जो दिए जाने की बात थी जो है उसको बनाया गया है बहुत तेजी स्तर से, तो उसमें भी है जो इसको है जो लगाया गया था। तो गरीब रोजगार कल्याण योजना कहाँ से चालू हुआ था दोस्तों, ये खगड़िया के तेलीहार से है जो चालू किया गया था,
और 6 राज्यों के 116 जिले में और बिहार के 32 है जो जिला थे इसमें। तो है जो कुछ डेटा है दोस्तों जो आपको हम बता रहे हैं जो आपको वहाँ लिखने में मदद करेगा। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से है जो इसको चलाया जा रहा है। और रिकॉर्ड है दोस्तों कि बिहार का गोपालगंज जिला में एक दिन में सबसे ज्यादा है जो सामुदायिक शौचालय है जो बनाया गया था, एक रिकॉर्डेड है दोस्तों जो रिकॉर्ड है उसके बारे में हमें जो बता रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि महिलाओं के बारे में जो सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए इनको है जो ये चीज है जो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप है जो ODF फ्री बनाएं, क्लीन इंडिया रखें, बीमारियों से दूर रहें, ताकि है जो जो स्वास्थ्य पे खर्च होता है उसको कम किया जा सके। तो बहुत सारे एंगल से उसको है जो जोड़ सकते हैं दोस्तों आप। इसमें है सुलभ संपर्कता, इसमें है दोस्तों कि गांव से गांव जोड़ने का है, फ्लाईओवर निर्माण का है, रोड टू रोड कनेक्टिविटी इन हाईवे इन NHA, ये है जो सुलभ संपर्कता के बारे में है जो बात किया गया है। तो कुछ ऐसे थे दोस्तों जिसपे है जो हम कोशिश है जो कर रहे हैं कि एक अच्छा आंसर है जो इससे आप जब लिख रहे होंगे आंसर तो इससे पिक करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ यहाँ तक है जो इस चीज को लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अवसर बढ़े और आगे पढ़े, ये है जो अंतिम है दोस्तों, ये 7 निश्चय का अंतिम है जिसमें सभी जिले में इंजीनियरिंग ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की जो बात की गई थी, और बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज को खोल दिया गया है, नर्सिंग कॉलेज को खोला जा रहा है या खोल दिया गया है, 5 और मेडिकल कॉलेज इसमें है जो जोड़े गए हैं, GNM स्कूल पारा मेडिकल की व्यवस्था है हर एक जिले में, अनुमंडल ANM की व्यवस्था है, अनुमंडल औद्योगिक की स्थापना के बारे में बात किया है। यह है जो बात किया गया है दोस्तों कि अवसर बढ़े और आगे बढ़े, जैसे जैसे है जो अवसर मिलेगा उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और स्किल्स को बनाते जाएंगे, रोजगार प्राप्त करते जाएंगे। और जो 2.0 का है दोस्तों सबके लिए सुविधा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और संबंधित सुविधा की है जो बात की गई है। आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार में शिक्षा जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो लचर स्थिति है उसको दुरुस्त करने के लिए है जो दरभंगा में 2. है जो खोलने की है जो बात की गई है, और बहुत ही अच्छी बात है जो अपना दरभंगा में है जो 2 खोलने की है जो प्रस्तावित है जो इस बार है जो दिया गया है, तो स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए। और टीकाकरण की जो व्यवस्था है, टीकाकरण को और मजबूत करने के लिए, अभी कोरोना काल में जानते हैं दोस्तों कि 8 करोड़ बच्चे को टीकाकरण से प्रभावित हुआ है, जिसमें है जो बिहार भी है, तो इस तरह को इससे भी है जो आपको पूरा करना है। और ऐसी स्थिति है कि बिहार को एक रोड मैप के रूप में देखा जा रहा है और इसके आगे ऊपर है जो काम करने की और विकसित बिहार बनाने की जो है उससे कहीं ना कहीं है जो एक मील का पत्थर साबित होगा, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रुकते हैं, कल है जो कुछ नए वीडियो के साथ है जो आएंगे। अगर आपको ऐड होना है तो आप है जो दिए गए नंबर पर ऐड हो सकते हैं, जो नंबर है 9673258206, और टेलीग्राम नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है, मैं बोल देता हूँ लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है क्या। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।